पोस्टपोन न्यूज एंड मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देश अलग अलग तरह की सुविधाएं देते हैं। जैसे कि कई देशों में शराब टैक्स फ्री होती है, तो वहीं कई देशों में वीजा ऑन अराइवल दे दिया जाता है। तो भारत भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गोवा में पेट्रोल सस्ता देता है। तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से ड्राइविंग कर सकते हैं, यानी कि आप भारत के ड्राइविंग लाइसेंस से विदेश में भी ड्राइविंग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे देश हैं जहां पे आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से ड्राइविंग कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टपोन न्यूज एंड मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सलीम। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत की तरह ही सड़क के बाई ओर ड्राइविंग की जाती है। अगर आपके पास एक वैध भारतीय लाइसेंस है जो कि अंग्रेजी में है, तो आप 3 महीने तक क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल, साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न रीजन में गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है। अमेरिका। भारत में गाड़ी को सड़क के बाईं ओर चलाया जाता है, जबकि अमेरिका में गाड़ी को सड़क के दाईं ओर चलाया जाता है। यदि किसी भारतीय के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और वो भी अंग्रेजी भाषा में, तो वो अमेरिका में पूरे साल तक कहीं भी गाड़ी चला सकता है। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी में नहीं है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के साथ फॉर्म I-94 की कॉपी भी अपने साथ रखनी होगी। फॉर्म I-94 में आपके अमेरिका आने की तारीख लिखी होती है। फ्रांस। फ्रांस में सड़क के दाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है। यहाँ की सड़कों पर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से 1 साल तक ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। हालांकि लाइसेंस की फ्रेंच कॉपी आपको अपने साथ रखनी होती है। जर्मनी। जर्मनी में भी सड़क के दाईं साइड गाड़ी चलाई जाती है। इस देश में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से 6 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको अपने साथ इंडियन लाइसेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कॉपी रखनी ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको अपने पास गाड़ी से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स भी रखने ज़रूरी होते हैं। मॉरिशियस। अगर आपके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी भाषा में है और आपके पास अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट है, तो आप मॉरिशियस को पूरा 1 दिन में घूम सकते हैं। यहाँ पर सड़क के बाईं ओर ड्राइविंग की जाती है। नॉर्वे। मिडनाइट सन की भूमि कहे जाने वाले इस देश में गाड़ियाँ सड़क के दाईं तरफ चलाई जाती हैं। यहाँ आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर सिर्फ 3 महीने ही गाड़ी चला सकते हैं और इसके साथ ही आपका लाइसेंस का अंग्रेजी में होना भी ज़रूरी है। न्यूजीलैंड। भारतीय ड्राइवर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर न्यूजीलैंड में केवल तभी ड्राइव कर सकता है जब वह 21 वर्ष या उससे ऊपर हो। यहाँ पर सड़क के बाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है। लाइसेंस का अंग्रेजी में होना ज़रूरी है या फिर न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ट्रांसलेट कराया जाना चाहिए। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच गाड़ी चलाना किसी का भी सपना हो सकता है। स्विट्जरलैंड में गाड़ी सड़क के दाईं ओर चलाई जाती है। यहाँ पर भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। हालांकि अमेरिका और साउथ अफ्रीका की तरह यहाँ पर भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस का अंग्रेजी में होना ज़रूरी है। साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गाड़ी सड़क के बाईं ओर चलाई जाती है। साउथ अफ्रीका में गाड़ी चलाने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस अंग्रेजी में होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि आपके पास अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की वाहन कॉपियाँ गाड़ी किराए पर देते समय अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट भी मांगती हैं। ग्रेट ब्रिटेन। भारत के ड्राइविंग लाइसेंस पर आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड में 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं और ब्रिटेन में भी रोड के बाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है। तो इस तरीके से आज आपने जाना कि भारत का ड्राइविंग लाइसेंस कितना ताकतवर है, जिसकी मदद से आप न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी ड्राइविंग कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें पोस्टपोन न्यूज एंड मीडिया के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टपोन न्यूज एंड मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।